नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। हाल के कुछ उपचुनाव में दलितों का वोट समाजवादी पार्टी को मिलने के बाद लखनऊ में बीजेपी के दलित नेताओं की एक बड़ी बैठक आज बुलाई गई। इस मीटिंग में पार्टी के सभी जिम्मेदार दलित नेताओं को बुलाया गया। यूपी से एससी समाज के 17 सांसद चुने गए हैं। पार्टी के दलित विधायकों की संख्या 65 है और इन सबको इस बैठक में बुलाया गया है। बैठक का एजेंडा अगले साल होने वाला लोकसभा चुनाव है और इसमें पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मिशन 75+ का लक्ष्य रखा है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और बीजेपी का लक्ष्य 75 सीटें जीतने का है। पार्टी की सबसे बड़ी चिंता यह है कि दलित वोटरों का झुकाव हाल के कुछ उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ा है। ये पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। यूपी के लिहाज से राजनीतिक तौर पर यह सोच रही है कि समाजवादी पार्टी को दलित समाज अपना नहीं मानता है। लगातार दो लोकसभा चुनाव और दो विधानसभा चुनाव में यही ट्रेंड रहा। जाटो बिरादरी को छोड़ दें तो एससी समाज की दूसरी जातियों जैसे वाल्मीकि, खटिक, पासी और सोनकर वोटरों ने बीजेपी को वोट किया। फिर ऐसा क्या हो गया कि घोसी के उपचुनाव में इसी समाज के लोगों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया? जाटो तो मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी के लिए वोट करते रहे हैं, लेकिन घोसी के चुनाव में इस समाज के कुछ वोटरों ने समाजवादी पार्टी का साथ दे दिया और इस बदलाव से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बहुत चिंतित है। इसलिए तय हुआ है कि लोकसभा चुनाव से पहले सब ठीक कर लिया जाए। लखनऊ में बीजेपी के दलित नेताओं की बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। मीटिंग में जाने से पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल ने बताया कि मोदी सरकार ने एससी समाज के लिए जितना काम किया है उतना काम तो देश की आजादी के बाद कभी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि शौचालय, पीएम आवास, मुफ्त राशन और उज्ज्वला योजना में सबसे अधिक फायदा दलितों को मिला है। उन्होंने कहा कि हम अपने समाज के लोगों को जाकर बताएंगे कि हमारी सरकार ने आपके लिए क्या क्या किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसी महीने लखनऊ में संघ की बैठक में दलितों को अपना बनाने पर जोर दिया था और इसके लिए कई तरह के कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। बीजेपी, आरएसएस और उनसे जुड़े तमाम संगठन अब इस पर आगे कार्यक्रम करेंगे। इसमें दलित बस्तियों में सामूहिक भोज से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम करने तक की योजना है। बीजेपी दलित समाज की अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग रणनीति बनाने में जुटी है। अगले लोकसभा चुनाव में यूपी में अधिकतर सीटों पर तिकोना मुकाबला होने की संभावना है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी ओर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हो सकता है। कुछ सीटों पर बीएसपी भी मुकाबले को दिलचस्प बना सकती है और ऐसे में दलित वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। बीजेपी ने अपना दल सुहेलदेव समाज पार्टी और निषाद पार्टी के साथ चुनावी तालमेल कर पिछड़ी बिरादरी का समीकरण ठीक कर लिया है। इसलिए बीजेपी ने पूरी ताकत दलित वोटरों को अपना बनाए रखने में लगा दी है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी अब दलित वोट बैंक को साधने में जुट गई है। यही वजह है कि पार्टी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। दलित वोट बैंक और आदिवासी वोट बैंक पर पार्टी लगातार अपनी प्लानिंग करने में जुटी है। कारण ये कि घोसी विधानसभा चुनाव में ऐसा माना जा रहा है कि दलित जो वोट हैं वो समाजवादी पार्टी को मिल गए और इस वजह से समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिली है। इसे लेकर बीजेपी अब अपनी प्लानिंग में जुटी है कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दलित वोट बैंक पर किस तरीके से काम किया जाए। बीएसपी ने भी बड़ी बैठक की, अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। समाजवादी पार्टी भी दलित एजेंडे पर लगातार काम कर रहा है। ऐसे में बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि ये वोट अगर हमें मिल जाए तो काफ़ी कुछ 2024 लोकसभा चुनाव आसान हो जाएगा। इसे लेकर जो लगातार पार्टी रणनीति बना रही है उसका हिस्सा ये भी है कि जो काम किया गया है मोदी सरकार द्वारा, योगी सरकार द्वारा, उसे जन जन तक पहुंचाया जाए। इसकी जिम्मेदारी पार्टी के बड़े नेताओं, सांसदों, पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को दी गई है कि ये पूरी जो योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं इसे जन जन तक पहुंचाया जाए। कहीं ना कहीं अपनी पैठ बनाने के लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है, जिससे 2024 लोकसभा चुनाव में उसको दलित और आदिवासी वोट मिल सके, उस पे लगातार प्लानिंग की जा रही है, काम किया जा रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि बीएसपी जो दानी सली मामले पर
कुछ भी बोलने से बच रही है उसको लेकर भी बीजेपी भुनाना चाह रही है। वो चाह रही है कि कहीं ना कहीं बीएसपी के जो सांसद हैं उन्हें तोड़कर लाया जाए, और बीजेपी में अगर वो शामिल होते हैं तो एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ भी हो सकता है जो बीजेपी के काम आएगा और 2024 लोकसभा चुनाव में उनके लिए आसान होगा। बीजेपी एक अच्छी रणनीति पर काम करना शुरू कर दी है। कैमरामैन राहुल के साथ सत्यप्रकाश सिंह, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।